स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम सभी गुरसिख, इनके गुरसिख, इनसे ब्रह्मज्ञान प्राप्ति के उपरांत हम तमाम उम्मीदें लगाते हैं, जैसे अब हमारे घर में सुख शांति आएगी, रोग दोष नहीं आएंगे, तमाम हमारे बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। परंतु जैसे जैसे समय बीतता है और हमारे घर में कोई चेंज नहीं आता तो हमारी स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है, आज की वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। दास नरेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यही है सच। दरअसल जहां सदगुरु हमें ब्रह्मज्ञान प्रदान करते हैं, वहीं उसके साथ साथ कुछ परहेज भी बताते हैं, कुछ नियम कायदे भी बनाते हैं, और उन कायदों को, उन नियमों को हमें फॉलो करना होता है, उन पर हूबहू चलना होता है। परंतु जैसे जैसे समय बीतता है हम या तो उन्हें भूलते चले जाते हैं या उनका पालन नहीं करते और तमाम तरह की बातें और करनी आरंभ कर देते हैं, और इसी कारण हमारे जीवन में चेंजेस नहीं होता। एक बार संतरंकारी मिशन के पूर्व सेक्रेटरी भाई साहब राम शरण सिंह जी ने अपने प्रवचनों में फरमाया, कुछ गुरुमुख यह कहते हुए सुने जाते हैं कि हम सदगुरु के सिवाय किसी और को कुछ नहीं मानते। उनकी धारणा निसंदेह उस पत्नी की तरह बड़ी शुद्ध होती है जो कहती है कि मैं पति को छोड़कर किसी और की परवाह नहीं करती हूँ, लेकिन वह पत्नी इतनी पति भक्त होते हुए भी गृहस्थ का पूरा सुख नहीं भोग सकती। अच्छी गृहिणी जानती है कि पति का पूरा सुख लेने के लिए पति के माता पिता, बंधु बांधवों एवं उसके दोस्तों मित्रों का भी पूरा सत्कार करना जरूरी है। अकेले पति का हो जाने से घर गृहस्थ का पूरा सुख प्राप्त करना कठिन ही नहीं असंभव है। इसलिए गुरु की पूरी खुशियां प्राप्त करने के लिए हमें केवल गुरु या गुरु परिवार को ही नहीं रिझाना, बल्कि गुरु की पूरी साथ संगत का दास बनकर जीवन व्यतीत करना है। जो भी गुरसिख हैं हमारे नज़दीक, आसपास या सत्संग में जो भी हमें मिलते हैं, हमें उनका भी पूरी श्रद्धा के साथ में सत्कार करना है, मीठा बोलना है, वाणी से कोई ऐसा शब्द नहीं निकालना जो किसी गुरसिख को बुरा लगे। बल्कि यहाँ तो ये भी कहा गया है कि गुरसिख ही नहीं बल्कि आम संसार में भी हमें पूरी तरह से उचित व्यवहार करना है। एक गुरसिख को पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ अपना जीवन जीना होता है। कभी कभी मजाक में या व्यंग में भी कोई ऐसी बात नहीं कहनी जिससे किसी दूसरे गुरसिख को कोई ठेस पहुँचे। इस संबंध में एक बार प्रवचन करते हुए नंकारी राजमाता जी ने फरमाया, एक महापुरुष से कोई ऐसी गलती हो गई जिसके फलस्वरूप उसे यह दंड दिया गया कि कचहरी में बैठे सब लोग उसे पत्थर मारें। सभी लोग उसे बारी बारी पत्थर मारने लगे। उसी सभा में एक महापुरुष भी बैठा था। उसने अपनी बारी आने पर पत्थर के स्थान पर फूल की पंखुड़ी दे मारी। वह महापुरुष पत्थरों की मार से तो घबराया ना था, लेकिन फूल की पंखुड़ी लगते ही उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मजिस्ट्रेट ने जब इसका कारण जानना चाहा तो उस महापुरुष ने बताया, साहब बाकी लोग तो अज्ञानी हैं, वे नहीं जानते कि मैं अपराधी हूँ या निर्दोष, लेकिन इस महापुरुष को तो पता है कि मैं उस गुरु का शिष्य हूँ जिसका यह है। अपने गुरु के गुरसिख पर इसे तो इतना विश्वास होना ही चाहिए कि मेरे गुरु का गुरसिख कभी कोई ऐसी गलती नहीं कर सकता जिसकी सजा उसे यह मिल रही है। राजमाता जी ने यह कहानी सुनाने के उपरांत सत्संगत को संबोधित करते हुए आगे कहा, संतो महापुरुषों याद रहे, एक गुरसिख को इस बात का भली भांति ध्यान रहना चाहिए कि उसके मुख से किसी दूसरे गुरसिख के प्रति कोई ऐसे शब्द ना निकले, मीठे से मीठे भी ऐसे शब्द ना निकले जिससे सामने वाले के दिल को आघात हो, क्योंकि ऐसा करने से उसे तो चोट पहुंचती है, कहने वाले का चैन भी निश्चित समय पर आकर छिन जाता है। युग पुरुष शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने भी अपने एक प्रवचन में चेतावनी देते हुए फरमाया, सेवा सुमिरन और सत्संग का सारा फल उस समय फौरन नष्ट हो जाता है जब हम अपने आप को पवित्र और दूसरों को अवगुणों से भरा देखते हैं। गुरुमत में तो अपने आप को नीचा और दूसरे संत महापुरुषों को अपने से ऊंचा समझने वाला ही जीतता है। इसलिए अहंकार
और पर अवगुणों को देखने की भावना से सदा बचो, तभी जीवन आनंदमयी हो पाएगा। एक गुरसिक के जीवन को सजाने संवारने वाले कुछ उपाय और उसे गलत मार्ग से बचने वाले तरीकों के बारे में बताते हुए सद्गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने फरमाया था, सत्संगत, गुरमत का मार्ग बड़ा विषम मार्ग है। इस पर चलना खांडे की धार पर चलने के बराबर है। जो लोग इधर उधर दूसरे गुरसिकों की करनी पर झांकते रहते हैं, आज नहीं तो कल पतन के गड्ढे में गिरे कि गिरे, उन्हें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन जो लोग सदगुरु और सत्संगत से जुड़े रहते हैं, भला बुरा दातार सदगुरु पर छोड़कर निर्लेप अवस्था का जीवन गुजारते हैं, सदगुरु या महापुरुषों की करनी को मापने की बजाय उनके आदेशों पर श्यापण चतुराई को छोड़कर आचरण करते और हर काम में दातार को अंग संग जानकर विचरते हैं, संत महाजनों की निष्कपट भाव से सेवा करते हैं, उनके हृदय में यह दातार निरंकार अपने आप विराजमान हो जाता है। उन्हें और किसी जप तप साधन की जरूरत नहीं पड़ती। हमें अहम भाव को छोड़कर सद्गुरु के हुक्म के अनुसार जीवन जीते जाना है, फिर हमारे सामने कोई मसला खड़ा नहीं हो सकता। हम हर तरह से सुरखरू होकर जीवन गुजारने में सफल हो सकते हैं। हमारा लोक सुखी और परलोक सुहेला हो सकता है। कई लोग रोजाना नए नए सवाल लेकर मेरे पास पहुंच जाते हैं। मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग संगत के साथ जुड़े रहें। कभी कभार किसी महापुरुष को अपने घर पर बुलाकर उनकी हर प्रकार से अपनी शक्ति अनुसार सेवा करके अपने मन की हालत उनके सामने रख दिया करें। उस महापुरुष के मुख से निकले हुए वचन आपकी हर समस्या का हल साबित होंगे। तो संतों महापुरुषों, ये थे वे तमाम अनमोल वचन जिन पर चलकर एक गुरसिख अपने आप को अपने सदगुरु की कृपा का पात्र बना सकता है। और जिस पर सदगुरु की कृपा हो गई उसके तो वारे न्यारे हैं, फिर उसे और क्या चाहिए। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। पसंद आया है तो लाइक भी करना और इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और फिर वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने इस चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।